वो कौन सी राशियां हैं जिनके साथ आपकी जोड़ी शानदार बनेगी मेष राशि वालों के लिए। तो भाई मेष राशि वालों, आपके लिए भी जो है हमने एक कुछ वीडियो बनाए थे पहले डेटिंग, लव और शादी से संबंधित, कि आपकी शादी और डेटिंग किसके साथ अच्छा रहेगा, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पोस्ट कर देंगे, उसको आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आपके लिए। देखिए भाई, जहाँ तक आपके नेचर का सवाल है, आप चुलबुले हैं और लोगों की लाइफ में आप फ्रेशनेस लेकर के आते हैं, ये एक बहुत ही शानदार चीज़ है। मैं पर्सनली एरीज वालों को जानता हूँ, वो धीमे धीमे टाइम के साथ भी बिल्कुल यंग दिखते हैं, वो उनके जो है चेहरे पर, उनकी बॉडी पर तो बीमारियां असर नहीं करती, दूसरा क्या है कि चेहरे से हमेशा यंग दिखते हैं। तो बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि भाई हमको मेष राशि वालों से ही शादी करनी है, क्योंकि ये टाइमलेस ब्यूटी है। तो शुरू करते हैं हम आपके लिए एरीज, एरीज राशि वालों के साथ में बढ़िया जो है मेष राशि वालों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रहने की उम्मीद है, और ये जोड़ी भी शानदार बनती है। टॉरस राशि वाले, वो बिल्कुल जो है फिजिकल अट्रैक्शन होगा यहाँ पर, और जो है एक तरीके से ये जोड़ी जो है आपस में बहुत ही अच्छे ढंग से एक दूसरे के साथ खड़ी रहेगी। और जो मिथुन राशि के लोग हैं उनके साथ में आपका जो है थोड़ा सा लाइट हार्टेड रिलेशनशिप रहने की उम्मीद है, एक प्रॉमिसिंग यहाँ पर एक रिलेशनशिप रहने की उम्मीद है, और बढ़िया तरीके से लगता भी है कि भाई आपका जो है इनके साथ में अच्छा चलेगा, है ना। और वो आपकी दुनिया को समझेंगे भी, और आपको बस दोनों में ये है कि दोनों में उम्र का फासला होगा, आप उनसे उम्र में छोटे होंगे इस रिलेशनशिप में, और वो आपसे उम्र में बड़े होंगे, 4-5 साल का भी डिफरेंस हो सकता है ना, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मिथुन राशि वाले बड़े होंगे ना। यहाँ पर अगली राशि है कैंसर, कर्क राशि वाले, वो आपसे दूरी बना के रखते हैं ऑलरेडी, तो उनके साथ में कुछ भी जो है पॉसिबल लग नहीं रहा है, लेकिन जो है यहाँ पर और जो बाकी के राशि है वाले वो उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगली राशि है हमारे पास में सिंह राशि, सिंह राशि वालों के साथ में एक इंटेंस रिलेशनशिप रहने की उम्मीद है, और यहाँ पर ये जो है आपके साथ में खड़े रहेंगे, बिल्कुल आपको हर मुसीबत से बचाएंगे, हर जगह पे आपको गाइड करेंगे, है ना। और आप जो है इनको एक बड़ा सम्मान भी दोगे, और ये जो है जोड़ी अच्छी रहेगी आपसी समझ और बूझ पर आधारित। नेक्स्ट है आपके साथ कन्या राशि वाले, कन्या राशि वालों के साथ में अगर शादी या विवाह या कोई भी रिलेशनशिप जुड़ता है तो आधा टाइम तो उनको मनाने में लगेगा आपका, वो रूठेंगे बहुत और आपको मनाने में लगेगा, रिलेशनशिप लविंग है, बढ़िया है, दोनों एक दूसरे के पास फिर भी आ जाएंगे, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो लेकिन संबंध नहीं तोड़ेंगे। अगली जो राशि है वो हमारे पास में है तुला राशि वाले, तुला राशि वालों के साथ में भैया कुछ खास कुछ बन नहीं रहा है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे इनके साथ में। नेक्स्ट है हमारे पास स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वाले, वो बिल्कुल एक नेचुरल, बिल्कुल ये एक अट्रैक्शन है, और ये जो है नेचुरली ये जोड़ी जो है बहुत ही शानदार जोड़ियों में से एक रहेगी, और मैंने स्कॉर्पियो वालों को ही बताया कि ये जोड़ी जो है फ्रेशनेस से भरपूर रहेगी, दोनों यंग दिखेंगे, दोनों बढ़िया दिखेंगे, और दोनों पे ही उम्र का असर नहीं दिखेगा, दोनों शानदार कपड़े पहनते हैं, दोनों शानदार ड्रेसिंग सेंस बहुत ही शानदार है, और बात करने का स्टाइल भी दोनों का बहुत ही बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास धनु राशि वाले, धनु राशि वाले कॉम्पीट करेंगे ये वृश्चिक राशि वालों के साथ में, लेकिन वृश्चिक राशि वाले थोड़ा सा बाजी मार ले जाएंगे, ये हो सकता है आपके लिए दोनों फाइट करें, दोनों आपकी तरफ, दोनों आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करें अपनी तरफ, है ना, और दोनों ही बढ़िया इंसान हैं, और दोनों के साथ ही आपकी जो है जोड़ी बहुत ही बढ़िया लगेगी, ठीक है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के साथ तो विशेष तौर पर अच्छी लगेगी, और धनु राशि वालों के साथ में अगर आपका संबंध जुड़ता है तो वो भी जो है बहुत ही शानदार जोड़ी में से एक जो है जोड़ी बनेगी, लेकिन आप शादी एक के साथ ही कर सकते हैं, है ना, तो शादी जो है वो एक के साथ ही कीजिए, ठीक है जी, जो भी इनमें से आपको पसंद आया और एक जो भी बच जाए उनको अपनी ज़िंदगी में जाने दीजिए, उनको लेट हिम एंजॉय हिज लाइफ, है ना, उनसे फिर आगे मतलब रखना ठीक नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास में जो राशि है वो है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वाले, मकर राशि वालों के साथ में पैशनेट रिलेशनशिप होगा, इसमें जो है वो अपना जगह भी, अपना दिशा, अपने जो है देश और अपना कालांतर, देश प्रदेश ना कंट्री सब कुछ भी चेंज करके वो आपके पास आ जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा कि भाई अमेरिका से कोई आ गई लड़की, उसको यहाँ पे प्यार हो गया किसी से, वो ये वाली कहानियाँ होती हैं, है ना, तो ये भी जो है बढ़िया तरीके से एक देखने दिखाने लायक जोड़ी हो गई है। अब जो आपके एक और बड़े इंट्रीग्यूइंग थोड़े से अजीब से प्राणी है, अजीब सी राशि है, जिनको आप अजीब सा मानते हो लेकिन उनको प्यार भी करते हो आप, वो है कुंभ राशि के लोग।
कुंभ राशि वालों की लाइफ में आपका आना जाना लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर परमानेंट जोड़ी की बात हो रही है। तो ये जो है, अगर आपका इनके साथ संबंध जुड़ जाता है तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये आपको फ्रीडम देंगे लाइफ में, है ना, और कोई आपको एक निकनेम भी दे देंगे आपको लाइफ में, किसी प्यारे से नाम को आपको बुलाएंगे जो केवल आप दोनों के बीच में ही कम्युनिकेट होगा। तो ये यहाँ पर इस तरह की जोड़ी बनने की संभावना है। नेक्स्ट है हमारे पास में मीन राशि वाले। थोड़ा डिफिकल्ट रिलेशनशिप रहेगा, लेकिन आपस में अगर एडजस्ट कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है जी, हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड गॉड ब्लेस यू।